देखो सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको बुक में एक साथ नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, प्लीज ध्यान से सब बच्चे थोड़ा सा जाग जाएंगे 5-10 मिनट को सब बच्चे। हाँ भाई, सर यस सर, yes, आकिफ, अब्दुल रहमान, अदनान, नाफिया, ठीक है सर, थोड़ा सा जाग जाइए। और कौन है सर? अनमता, अरूब, हंसला, इकरा, मर्जिया, मुनीब, रवि, रूही, साइन, सलमान, संगे मित्रा, शादान, शफी, सिफत, सोएब, तोहेद एंड हुजैफा एंड शादान। थोड़ा सा जाग जाएंगे सब 5 मिनट को, सर बिकॉज ये बुक मैं में तो नहीं, ना आ रहा हूँ। वेरी नाइस बेटे, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा बेटे, ये एक साथ नहीं मिलेगा, तो सुन लीजिए। इफ टू जी सर, ट्राइंगल, और ये किसी में भी नहीं मिलेगा, शर्मा जी की बुक में भी नहीं मिलेगा एक साथ। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पता है। और आपको क्या पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, यही पता है ना सर? आप जरा सुनिए ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मीडियंस एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर्स एंड देयर पैरामीटर्स आर प्रोपोर्शनल, ये है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बेटे। सिर्फ और सिर्फ साइड्स का ही रेशो सेम नहीं होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, अभी बताऊंगा क्या कहने का मतलब है, उनके एल्टीट्यूड्स, उनके एंगल बाइसेक्टर्स एंड उनके पैरामीटर्स, सभी का रेशो बेटा सेम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, सुन लीजिए। हमारे पास क्या है बेटे, समझ गए। वेरी नाइस, ये मेरे पास बेटे ट्राइंगल है और इस पे 1-1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है बेटे, 100% आ सकता है, शायद लास्ट क्लास में भी आया, लास्ट एग्जाम में भी आया। ये बेटे ट्राइंगल है, एक का आपने नाम लिया बेटे ए बी सी और दूसरे का नाम लिया बेटे आपने पी क्यू आर, और आपसे कह रहा है दे आर सिमिलर। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आप सब बच्चों ने ये तो पढ़ लिया कि साइड्स का रेशो सेम होता है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे कि नहीं सर, मेरे पास एक मीडियन है, डी इज माई मिड पॉइंट, सर मेरे पास एक मीडियन है, एस इज माई मिड पॉइंट, तो जो रेशो साइड्स का है ना बेटे, सेम रेशो विल बी रेशो ऑफ मीडियंस, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अगर रेशो साइड का 1/2 है तो मीडियन का रेशो भी 1/2 है। अब इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन सुनो क्या हो सकता है, एक तो आपसे बेटे ये कह दे, प्लीज ध्यान से सब बच्चे, प्लीज 1 मार्क्स के लिए आपसे ये कह दे, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड हमसे कह रहा है बेटे कि ए बी 4 है और पी क्यू 8 है, और हमसे कह रहा है ए सी बेटे हमारे पास जो है ना वो दे दिया उसने 7, और आपसे कह रहा है पी आर बताओ, क्या बताओ? ठीक है, अब आपको क्या पता है ट्राइंगल सिमिलर हैं आप सब बच्चों को, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे रेशो लिखते ए डी अपॉन पी क्यू इज सेम एज ए सी अपॉन पी आर, आप इसमें वैल्यू रखते, ए डी 4 है, पी क्यू 8 है, ए सी 7 है, पी आर बताओ, यस और नो? जी सर, तो अब यस सर, हमारे पास क्या आ जाता, आप सब लोग सॉल्व करना जानते हो, 4 2 जा 8, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी आर विल बी 14, 14, यस और नो? यस सर, तो आप ये साइड निकाल सकते थे, लेकिन बेटे सेम क्वेश्चन आपसे क्या कह सकता है बच्चे,
कि नहीं सर साइड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इसकी मीडियन है एडी दैट इज 7, फाइंड द मीडियन ऑफ पीएस। 14 आया समझ में बेटे? क्वेश्चन अभी भी सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा बेटे? सेम रहेगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज सेम एज ए डी अपॉन पी एस। वैल्यू अभी भी बेटे 1/2 का ही रेशो रहना था, तो 14 ही आएगी। सबको समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ साइड इज सेम एज रेशो ऑफ मीडियंस। लेकिन अभी तो मीडियन की बात करी है, बट बेटे अगर आपसे ये कह दे कि नहीं सर हमारे पास एल्टीट्यूड है, हाइट परपेंडिकुलर डाला हुआ है ए ई, और ये बेटे यहाँ परपेंडिकुलर डाला है पी टी, तो बेटे इनका रेशो भी सेम होगा ए ई अपॉन पी टी। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं नहीं सर हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, ए का एंगल बाइसेक्टर सर ये दिया हुआ है हमें एफ, और सर ये हमारे पास पी का एंगल बाइसेक्टर है सर सर यू, तो आपसे कह रहा है सर ये भी रेशो सेम होगा ए एफ अपॉन पी यू। द रेशो ऑफ साइड इज सेम एज रेशो ऑफ मीडियन, रेशो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रेशो ऑफ एल्टीट्यूड्स, इवन रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर बेटे आपसे ये कह दे इस क्वेश्चन में कि सर ए बी का जो साइड है वो 4 है और पी क्यू जो साइड है वो 8 है, और ए बी सी का पेरीमीटर सर 20 है, पी क्यू आर का पेरीमीटर बताओ, ठीक है पी क्यू आर का पेरीमीटर बताइए, तो सर ये रेशो भी सेम ही होगा। क्या होना है सर 4/8 इज सेम एज 20/x। तो अगर 1:2 का रेशो है 40 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है जी सर? तो ये हमारे पास ठीक है जी सर। जी बेटे एंगल बाइसेक्टर वाला इक्वल कैसे हो गया? करेंगे बेटे अभी ये सारी चीजें करेंगे, प्रूफ करेंगे, इनको टेंशन ना लो, ठीक है। यही प्रूफ दिखाने हैं आप लोगों को कि ये प्रूफ होते क्यों हैं। इनके प्रूफ तो नहीं आएंगे ना, लेकिन मतलब जैसे आएंगे नहीं बट हम करेंगे। यस यस ओके ओके समझ में आ गया सब बच्चों को क्या है ये सर? Yes, अब आप देखो जरा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो यही बेटे आपका लास्ट क्वेश्चन है जो शफी कह रहे हैं ना सर ये कैसे होते हैं, तो इनको हम करेंगे। कुछ आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से लिखे हैं जो आपके यहाँ प्रूफ नहीं, बट हम करेंगे। जरा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 सब बच्चे, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं बस अभी यही एंड कर रहे हैं, बस सिर्फ पढ़ लो इसे। क्या लिखा हुआ है? इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस of triangle ABC and PQR, where triangles are? Where triangles are? Similar. तो जो हमने आपसे कहा बेटे, अगर triangle similar हैं, तो AB upon PQ, AB upon PQ is nothing, the ratio of sides, ratio of sides is ratio of मीडियंस AD अपॉन, मैंने वहां M लिया है इन्होंने, S लिया है इन्होंने, यहाँ M लिया है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये हमारे पास है, ठीक है? तो ये हमें प्रूव करना है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे जो मैंने आज लिखा है, दिमाग में बिठाने की कोशिश। दो दो लाइन के प्रूफ है बेटे, 2-2 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है? तो प्रूफ की कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए थी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे जहन में रहता है कि होता क्या है, तो इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? ओके सर, अल्लाह हाफिज़।